नमस्कार दोस्तों, पीस सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एटीवी का प्रॉब्लम देखेंगे। टीवी चालू है लेकिन देख पा रहे हो तीन डट, तीन लकीर आ रहा है। ठीक है, तीन लकीर आ रहा है और मैं मेनू दबाया, देखिए मैंने पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं पिक्चर लगा के दिखा देता हूँ, देख रहे हो मैंने अभी लगाया हूँ लेकिन बहुत ब्राइट आ रहा है और पूरा नीला कलर टाइप का ब्राइट आ रहा है और तीन लकीर भी आ रहा है, एक दो तीन चार, ऐसा छोटा छोटा बारीक सा साइड साइड लकीर आ रहा है तिरछा। ठीक है, देख पा रहे हो, तो उसका प्रॉब्लम क्या है देखेंगे। चलिए फिर पीछे साइड जाते हैं। चलिए मैं पीछे साइड आ गया। अब हम लोग स्क्रीन ग्रिड का वोल्टेज नापेंगे। स्क्रीन ग्रिड ज़्यादा होने से भी लिटरस लाइन आ जाता है। मीटर में देखिए स्क्रीन ग्रिड का वोल्टेज 62 बता रहा है। मैं इसको कम करता हूँ, देखिए 41 हो गया, बढ़ाने से 74 वोल्ट आ गया, 75। कम करके स्क्रीन पर जाके देखते हैं, पूरा कम कर दिया हूँ। ठीक है, 40 वोल्ट आ रहा है। अब स्क्रीन पे जाके देखते हैं, देखिए पिक्चर लगा है लेकिन इसमें कोई असर नहीं हुआ है। ठीक है, फिर से पीछे की साइड चलते हैं। तो पीछे साइड हम लोग आ गए हैं। तो इसको कम ज़्यादा करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ब्राइट बहुत ज़्यादा है। तो इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गया है, स्क्रीन ग्रिड कम करने से भी ब्राइटनेस कम नहीं हो रहा है। मैं स्क्रीन ग्रिड का वायर को निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब स्क्रीन में जाके चेक करके देखते हैं। देखिए स्क्रीन ग्रेड निकालने से भी सेम लाइटिंग है और सेम प्रॉब्लम है। पिक्चर ऐसे अंदर पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ब्लू कलर का लिटरस लाइन आ रहा है। ठीक है, नहीं तो स्क्रीन ग्रिड निकालने से पिक्चर डार्क होना चाहिए, लाइट नहीं आना चाहिए और स्क्रीन ग्रिड घुमाने से भी कम ज़्यादा होना चाहिए, कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। बढ़ तो रहा है लाइट, कम भी हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। ठीक है,
और पूरा ब्लू स्क्रीन होके लिटरेस लाइन आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, पीछे साइड फिर से चलेंगे। अब स्क्रीन ग्रिड का वायर को फिर से सोल्डिंग कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसका आरजीबी जो रेड ग्रीन ब्लू कैथोड है उसका वोल्टेज नापेंगे। ठीक है, मैंने ऑन कर दिया हूँ। और एक चीज़, यहाँ पे 180 वोल्ट भी नाप लेंगे। तो मीटर पे देखिए 185 बता रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज है। अभी हम लोग रेड ग्रीन ब्लू, ये रेड का है 163, अब ग्रीन 157 है। ठीक है, वोल्टेज सही है। ये ब्लू है, ब्लू में सिर्फ 38 बता रहा है। तो ब्लू कलर का सेक्शन में प्रॉब्लम है, ब्लू कलर का आउटपुट सेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग उसको चेक करेंगे। तो मैंने बेस को पहले निकाल देता हूँ। बेस निकाल दिया, अब मैनुअली हम लोग मीटर से चेक करेंगे। ब्लू कलर तो आ रहा है, लेकिन ब्लू कलर ज़्यादा भी आ रहा है और लिटरस लाइन भी आ रहा है। ठीक है, मैं मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रख दे रहा हूँ। ठीक है, बजर मोड में है और हम लोग ब्लू कलर का ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। ये देखिए, इसका बेस ए है, तो बेस कलेक्टर एमीटर ट्रांजिस्टर तो सही बता रहा है। फिर हम लोग जो 180 वोल्ट सप्लाई देता है कलेक्टर को, आउटपुट ट्रांजिस्टर का, उसको हम लोग चेक करेंगे रजिस्टर को। ठीक है, देखिए मैं कंपोनेंट साइज दिखा दे रहा हूँ। ये 15 के का रजिस्टर 3 टन लगा है, 3 ट्रांजिस्टर के लिए, 3 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में ये सप्लाई देता है। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। देखिए मीटर में, ठीक है, 12 बता रहा है। ये ट्रांजिस्टर भी बता रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर, सॉरी, ये रजिस्टर, और ये रजिस्टर हमको कुछ भी नहीं बता रहा है। रजिस्टर को ओपन करके चेक करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू बता देगा। तो मैं ये रजिस्टर खराब के लिए मैं ओपन करके चेक करूँगा।
अब ये रजिस्टर को मैं ऊपर से चेक करके दिखाता हूँ। देखिए मीटर पे कोई भी ओम्स नहीं बता रहा है, तो एक ख़राब है। उसके जगह पे हम लोग नया लगाएंगे। तो चलिए मैं दूसरा रजिस्टर को चेक करके दिखाता हूँ। देखिए रजिस्टर, इसको हम लोग चेक करेंगे। देखिए 17 बता रहा है, 15 के का है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। इसको डाल दिए, सोल्डरिंग कर लेते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग हो गया। अब लगाते हैं पिक्चर ट्यूब में। तो बेस लगा दिया हूँ, अभी हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये ब्लू कलर का है, 130, ठीक है। एक ग्रीन कलर 127, ये रेड कलर का है 115, ठीक है। अब हम लोग स्क्रीन पे जाके देखेंगे कि टीवी नॉर्मल हुआ है कि नहीं।